संपूर्ण ब्रह्मांड में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, स्वर्ग नरक नाम की कोई जगह नहीं है और ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। बुद्ध धर्म और उनका धर्म विज्ञान। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ विवेकहीन मनुष्य इन काल्पनिक धारणाओं के आधार पर आम मनुष्यों के बीच भय और आतंक फैलाते हैं और धन रूपी अपनी दुकानदारी चलाते हैं, लोगों को डराकर अपनी दुकान चलाते हैं। इन आधारहीन बातों को आम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं और चालाक मनुष्यों के झांसे में आ जाते हैं और लूटते रहते हैं और अपने मन एवं धन की हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी काल्पनिक धारणाओं के बहकाव में आकर मनुष्य पूजा पाठ एवं अनुष्ठानों के लिए मजबूर हो जाते हैं, डर से मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनको धन की हानि होती है, क्षति होती है। ऐसी काल्पनिक धारणाओं से मनुष्य के चित्त में भय एवं आतंक डर जन्म लेता है, जिससे मनुष्य को तन की हानि होती है। आत्मा, ईश्वर या स्वर्ग नरक के नाम पर जो मनुष्य अनुष्ठान कराते हैं, उसकी अपनी यह बात रखे कि इस काल्पनिक शक्तियों के अनुष्ठान से हमारा भला कैसे होगा, उनके सामने यह बात रखें। यदि आप इतने ही हमारे हितैषी हैं, हमारे भला चाहने वाले हैं, हमारे अच्छा चाहने वाले हैं, तो आप इस प्रकार के अनुष्ठान करके आप पहले अपना भला करके देखें, तब हम सोचेंगे कि यह अनुष्ठान सत्य एवं विज्ञान के आधार पर खरा उतरता है, तब हम उसका पालन करेंगे। कभी कभी मनुष्य को तंत्र मंत्र के आधार पर भ्रमित करके लूटा जाता है और ढोंगी मनुष्यों से पूछें कि इस मंत्र का सारांश हिंदी में बताएं और वे भी बताएं कि इस मंत्र से हमारा कार्य कैसे सिद्ध होगा। कुछ विवेकहीन मनुष्य भूत प्रेतों के नाम पर आम मनुष्यों में भय एवं आतंक फैलाते हैं, जबकि दुनिया में कोई भी भूत प्रेत नाम की वस्तु नहीं होती है। कुछ कमजोर दिमाग के मनुष्यों में अंधी आस्थाएं भरी रहती हैं, जो एकांत में या रात्रि के समय ऐसे मनुष्यों में भय का डर के रूप में समा जाती है, जिससे वे मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। कुछ मनुष्यों की ऐसे बीमारी समय के अनुसार धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, लेकिन उनके उपचार को काल्पनिक शक्तियों के नाम से जोड़ दिया जाता है। कुछ विवेकहीन मनुष्य प्रचारित करते हैं कि विज्ञान अलग है और आध्यात्मिक अलग। इस प्रकार की बातों द्वारा ऐसे मनुष्य आम मनुष्यों को भ्रमित करते हैं और लूटते हैं। आम मनुष्यों के लूटने के लिए वे ऐसी काल्पनिक धारणाओं की रचना करते हैं जो आम मनुष्यों की सोच से परे होती है। यह नक्षत्रों के प्रभावों से आम मनुष्यों में आतंक फैलाया जाता है, भय ग्रस्त किया जाता है, जबकि मनुष्यों पर ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन ग्रह नक्षत्रों के ढोंगी मनुष्य बातें करते हैं वे ब्रह्मांड में पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित हैं। यदि उनका कोई प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा तो सभी सजीव वस्तुओं पर पड़ेगा, सभी जीव जंतुओं पर पड़ेगा, जिसमें जीव जंतु भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे और समस्त मनुष्य भी होंगे, अन्यथा किसी पर नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य से रोशनी मिलती है तो आप सभी सजीव वस्तुओं को मिलती है, चंद्रमा से प्रकाश मिलता है तो सभी सजीव वस्तुओं को मिलता है, जहाँ भी वर्षा होती है उस वर्षा का प्रयोग सभी सजीव वस्तुएं करती हैं। इन
ग्रहों के फायदे या नुकसान किसी विशेष जीव जंतु, पेड़ पौधों या मनुष्यों को नहीं होते। नहीं, इनका फायदा या नुकसान मनुष्य को जाति या धर्म के आधार पर होता है। लेकिन काल्पनिक धर्मों के स्वामी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आम मनुष्यों में काल्पनिक शक्तियों के नाम पर भय एवं आतंक फैलाते हैं और आम मनुष्यों को लूटते रहते हैं। इसलिए मनुष्य ऐसी बातों को अपने विवेक में विज्ञान के आधार पर तौले तब ही धारण करे, अन्यथा ऐसी काल्पनिक धारणाओं को त्याग दें और इस प्रकार की आंतरिक घटनाओं से होने वाले नुकसान से बचें। आंतरिक घटनाओं के प्रभाव से बचने के लिए अपने चित्त को काल्पनिक धारणाओं के कारण उत्पन्न होने वाले विकारों से दूर रखें और किसी बात को इसीलिए सत्य नहीं माने कि इसको बहुत लोग कहते हैं मानते हैं, किसी बात को इसीलिए भी सत्य नहीं माने कि यह परंपरा से चली आई है, किसी बात को इसीलिए भी नहीं माने कि यह ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को केवल इसलिए नहीं माने कि यह न्याय के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए नहीं माने कि वह अपने विचार के अनुरूप है, यह आपके विचार में ठीक ही होगी, किसी बात को केवल इसलिए सत्य नहीं माने कि वह आपके अनुकूल दृष्टि की है, किसी बात को इसलिए भी सत्य न माने कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति द्वारा कही गई है जो एक सिद्ध पुरुष है, एक संत है, एक परमात्मा है, एक महात्मा है, एक महाज्ञानी है, एक महापुरुष है। किसी बात को केवल इसलिए भी सत्य न माने कि इसको बहुत लोग मानते हैं, किसी बात को इसलिए भी नहीं माने कि यह वचन किसी ईश्वर या भगवान ने कहे हैं, किसी बात को इसलिए भी नहीं माने कि वह बात आस्था से जुड़ी है, किसी बात को इसलिए भी नहीं माने कि किसी मीडिया, फिल्म या धारावाहिक द्वारा दिखाई गई है, इसलिए सत्य ही होगी। इसीलिए किसी बात को जब तक सत्य नहीं माने तब तक वह विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है और सत्य के आधार पर अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक कर्म पाप कर्म नहीं है या अमुक कर्म अकुशल कर्म नहीं है या अमुक कर्म अंधी आस्था नहीं है या अमुक कर्म काल्पनिक नहीं है या अमुक कर्म विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदनीय नहीं है और उसका परिणाम हानि या घायल होना नहीं है। जो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय है तो उस कर्म को तुम धारण कर लो, अन्यथा त्याग दो, जिससे मनुष्य मनुष्य के बीच घृणा की दीवार टूटेगी, संसार में करुणा और मैत्री का संचार होगा, करुणा और मैत्री से मनुष्यों के सभी मानसिक विकार नष्ट होंगे, मनुष्य सम्यक प्रज्ञावान एवं बुद्धिमान बनेगा, मनुष्य जीवन यापन के लिए ज्ञान रूपी पूर्ण शक्ति प्राप्त करेगा, वह अंधविश्वासी एवं पाखंडी मायाजालों में निकलकर सम्यक सद्धर्म पर चल पड़ेगा। जब मनुष्य सम्यक सद्मार्ग पर चल पड़ेगा तो मनुष्य का चित्त ऐसी काल्पनिक धारणाओं से प्रभावित नहीं होगा। ऐसी घटनाओं से प्रभावहीन होने पर मनुष्य का चित्त विकार रहित होगा, जिससे उसके चित्त में सम्यक विचारों का आदान प्रदान होगा। सम्यक विचारों के आदान प्रदान से मनुष्यों का चित्त सुखी और उमंग से भरा रहेगा, जिससे मनुष्य की सभी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करेंगी। सभी इंद्रियों के सुचारू रूप में कार्य करने से मनुष्यों की आंतरिक क्रियाएं सुचारू रूप से होंगी, जिससे मनुष्य के शरीर के आंतरिक अंगों को नियंत्रण करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी ऊर्जा उनके अंगों को मिलेगी। आंतरिक अंगों को परिपूर्ण ऊर्जा मिलने पर आंतरिक अंग सुचारू एवं स्वरूप रूप से कार्य करेंगे, जिससे मनुष्य आंतरिक घटनाओं से होने वाली वाधियों से बचा रहेगा और नई नई खोजों के लिए उसकी चित्त रूपी शक्ति का प्रयोग होता होगा और सुख शांति के साथ
लंबी उम्र तक जीवन यापन करेगा और आंतरिक वादियों से दूर रहेगा। इस प्रकार मनुष्य समाज और उनके देश की उन्नति होगी और संपूर्ण संसार सुखमय एवं समृद्ध बनेगा।